नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, बरसात के मौसम की शुरुआत होने ही वाली है और अगर ऐसे में आप नारियल पानी पीने के शौकीन हैं तो आप नारियल पानी का पौधा इस बरसात के मौसम में अपने घर पर लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में लगभग हर किसान नारियल की व्यावसायिक खेती भी कर सकता है, क्योंकि अब कंडीशंस बदलने लगी हैं, किस्में बदलने लगी हैं। और ये कंडीशंस और बदलती हुई किस्में ही हैं जिन्होंने समंदर के करीब होने वाले नारियल को एक सामान्य किसान के खेत तक पहुंचा दिया है। कुछ कंडीशंस देकर आप अपने खेत में भी नारियल के पौधे उगा सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। वो सारी की सारी कंडीशंस क्या हैं, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वैसे तो नारियल की वैरायटी को दो आधारों पर बांटा जाता है, टॉल और ड्वार्फ, लेकिन अब इसके अंदर कुछ चीजें और भी ऐड हो गई हैं। टॉल, ड्वार्फ, हाइब्रिड, डीटी, इनके अंदर भी अंतर है और वो अंतर जब आपको पता चलेगा तभी आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सी क्लास की वैरायटी को आपको लगाना है। अगर हम बात करें टॉल की, तो टॉल वैरायटी जो है इसके अंदर क्या है, 8 साल बाद ये फल देना शुरू करती हैं। इसके अंदर भी वेस्टर्न कोस्ट के टॉल हैं और ईस्टर्न कोस्ट के टॉल हैं। ये जो है 150 फल पर प्लांट आपको मिलता है और इसे आप 20 गुना 22 फीट के हिसाब से अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। अगर हम ड्राफ्ट वैरायटी की बात करें तो इसके अंदर ग्रीन ड्राफ्ट और ऑरेंज दो प्रकार हैं और ये आपको 3.5 साल बाद फल देना शुरू कर देती है और इसके अंदर 200 फल जो हैं वो पर प्लांट लगते हैं और इसे आप 18 गुना में 20 फीट के हिसाब से अपने खेत में लगा सकते हैं। इसके बाद आती हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड वैरायटी जो है ये 4 साल बाद फल दे देती है, इसका फल लंबे टाइम तक चलता है, 300 से 350 फल ये आपको दे सकती है और इसी के साथ साथ इसके फल में पानी भी ज़्यादा होता है। और एक बात और कि हाइब्रिड जो हैं वो कई किस्में हैं हाइब्रिड की, हाइब्रिड के अंदर कई किस्में आ गई। अब रही बात डीटी की, तो डीटी जो है ये मैं आपको जब पोलिनेशन समझाऊंगा इसके अंदर का तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप इनमें से किसी भी क्लास की वैरायटी को चूज कर लीजिए, लेकिन उसे लगाना कैसे है अब ये समझते हैं। आपको क्या करना है, 1 किलो नीम खली पाउडर, 4 किलो बर्मी कंपोज और नमक, अगर आपकी जमीन में नमक कम है तो आपको नमक लेना है 1 किलो। इसको आपको खड्डे में डालना है, 2x2 फीट का खड्डा खोदना है, सारी की सारी मिट्टी को अच्छे से मिक्स करना है और उसके अंदर पौधे को लगा देना है। इसे आप चाहे फ्लड इरीगेशन दीजिए और चाहे आप इसे ड्रिप से पानी दीजिए, ये आपकी मर्जी, लेकिन पौधे के आसपास 6 फीट के दायरे में हर वक्त नमी बनी रहनी चाहिए। नमी बनी रहे इसलिए आप पौधे के आसपास घास फूस भी डाल सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी मिट्टी जितना पानी को रोक कर रखती है उतना ही अच्छा है आपके लिए नारियल की खेती करना। अब रही बात कि इसको कौन सी कंडीशन ज़्यादा पसंद है, देखिए 10 डिग्री से नीचे तापमान अगर गया तो आपके यहाँ पर फल नहीं लगेंगे, लेकिन ह्यूमिडिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए, यानी कि ह्यूमिडिटी पूरी ज़्यादा हो, पानी अच्छा खासा हो, ठंड हो लेकिन 10 डिग्री से नीचे तापमान कभी ना जाए, ऐसा इन्वायरमेंट अगर आपके यहाँ पर है तो आप लोग नारियल की खेती बिंदास ढंग से कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोलिनेशन के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर मेल प्लस फीमेल दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पर होते हैं तो ये सेल्फ पोलिनेट हो जाता है, इसे पोलिनेट करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आप डीटी वैरायटी बनाना चाहते हैं तो आपको इसे पोलिनेट कराना पड़ेगा अपने हाथ से। वो कैसे होगा, डीटी वैरायटी का फायदा ये होता है कि इसमें ड्वार्फ और टॉल दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसमें फ्रूटिंग थोड़ी ज़्यादा मिलती है, ड्वार्फ का साइज छोटा होता है तो टॉल जब उसके साथ मिक्स होता है तो उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, पानी ज़्यादा मिल जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप डीटी वैरायटी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ड्वार्फ पौधा जो है उसके ऊपर जो मेल फ्लावर लगे होंगे अलग से और फीमेल अलग से, एक ही पौधे पर एक ही जगह लगे होंगे,
तो उसके ड्वार्फ के मेल फ्लावर को काट दीजिए, अकेले फीमेल को छोड़ दीजिए और ऊपर उसके कपड़ा डाल दीजिए, और जो टॉल प्लांट है उसके फीमेल फ्लावर को काट दीजिए और जो मेल फ्लावर हैं उनके ऊपर कपड़ा डाल दीजिए। जब दोनों थोड़े मैच्योर होने लगे तब आपको क्या करना है, मेल फ्लावर को वहां से उखाड़ना है और फीमेल फ्लावर के साथ टच कर देना है, इससे उनका पोलिनेशन हो जाएगा और जो नट्स आएंगे वो डीटी वैरायटी के आएंगे, कोकोनट जो आएंगे वो डीटी वैरायटी के आएंगे। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आपके एरिया में कोई भी प्रकार का पानी नहीं है, एकदम रेतीला मामला है और आपके यहां पर पानी जमीन का बहुत ज्यादा खारा है, बहुत ज्यादा उसका टीडीएस है, तो आप लोग एक गजब की खेती कर सकते हैं। वो फार्म मैंने खुद भी देखे हैं और बहुत गजब के फार्म हैं, वो है खजूर की खेती। खजूर की खेती का वीडियो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। और हाँ, जो ये नारियल का खेती है ये भी आप कर सकते हैं, इसी के साथ इलायची की खेती भी आप कर सकते हैं। देखते रहिए ABC इंडिया।